नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा सुप्रभात कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छी बातें बताते हैं जो आपकी दिनचर्या को अच्छा करे और आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। तो जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा भगवान का लीला है, ये सब जो है हमारे पॉजिटिव बातें बताते हैं और हमें जो है कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। तो जब हम इनके बारे में सोचते हैं या इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं, कुछ भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारे अंदर जो है पॉजिटिव ऊर्जा भरता है। तो आज कुछ आपको ऐसे ही बातें हम बताने आए हैं। देखिए, ज़िंदगी में क्या है कि हमें दोस्त भी मिलते हैं और हमारे सगे संबंध भी होते हैं, लेकिन जो संगत का असर कहा गया है शास्त्र में, कि जो संगत का असर है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारे संगत अच्छे लोगों से है तो हमारे जीवन में जो अच्छी छाप छोड़ जाएंगे और जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोगों से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलता है। लेकिन अगर संगत अच्छा नहीं है तो उसका दुष्प्रभाव जो है वो हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो कभी भी किसी को अपना संग बनाना है, किसी के संग रहना है, किसी को अपना साथी बनाना है, तो जरूर देखना चाहिए कि वो कैसा इंसान है ना। तो भागवतम में श्लोक है, एक बहुत ही ज्ञान वर्धन वाला श्लोक है, कि गाय के सींग के ऊपर, एक गाय जो है गाय के सींग के ऊपर अगर एक राई का दाना रख जाए, अगर एक राई का दाना रखा जाए तो वो जितनी देर टिकेगा उसके ऊपर, उस क्षण का कितने 100 भाग से एक भाग होगा, 1 सेकंड का कोई कितने भाग से एक भाग होगा, उतनी देर वो गाय के सींग के ऊपर वो राई का दाना टिक सकता है। और उतने क्षण का जो छोटी सी हिस्सा है, उतनी देर के लिए भी अगर हम कुसंगत का संग करते हैं तो हमारे जीवन में दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, और जो भी कुसंगत का असर है वो हमारे भी जीवन में दिखाई देता है। और उसी क्षण भर के लिए अगर हम किसी अच्छे संगत का संग करते हैं, किसी संत का संग करते हैं, किसी ज्ञानवान का संग करते हैं, किसी अच्छे विचार वाले बंदे का संग करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इसीलिए जो भी संग हो हमारे जीवन में वो अच्छा होना चाहिए। तो कैसे सोचे, कैसे जाने कि जो हमारे साथ अभी नया नया मिल रहा है वो संग जो है सही है कि नहीं है। तो ये पता करने के लिए एक उपाय जरूर है। देखिए, जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भावना अमृत में है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी कुसंग नहीं हो सकता। तो कैसे जानेंगे आप कि ये कृष्ण भावना में है कि नहीं है, ये भगवान को मानता है कि नहीं मानता है, ये आस्तिक है और नास्तिक नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। जब कोई रोगी है तो उसकी रोग से उसका पता चलता है कि ये रोगी है। ऐसे ही कोई अगर धनवान है तो उसकी धन से पता चलता है कि ये बहुत बड़ा धनवान है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई ज्ञानवान है तो उसकी ज्ञान और उसकी गुण से हमें पता चलता है कि ये ज्ञानवान है। तो ऐसे ही जो भक्त है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान की तरफ समर्पित है, उसके बारे में भी पता चलता है और उसकी लक्षण होते हैं, जो लक्षण से हमें पता चलता है कि ये भगवान को समर्पित है, ये भगवान की भक्त है और ये कुसंग नहीं, हमारे लिए अच्छा संग है, सुसंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा?
देखिए भगवद गीता में एक भक्त का कई सारे लक्षण लिखा है, जो भगवान को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो कृष्ण भावना अमृत है, उसका लक्षण लिखा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी और आसान पहचानने वाली लक्षण है, वो है वाणी। जो वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, जो कोई भी बोलता है, उससे पता चलता है कि उसके अंदर कैसी भावनाएं हैं। अगर कोई चुप है और ऊपर से बिल्कुल बन ढन के बैठा है और बिल्कुल चुप है, तो हम उसकी अंदर की बातें और भावना को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बोली जो है ना, सब कुछ बता देता है। जब कोई बोलने लगता है, तब समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है, और उससे उसकी ज्ञान का भी पता चलता है, ये भी पता चलता है कि ये मूर्ख है, कि ये इसकी भावना कैसे है, और ये दूसरों के बारे में कैसे सोचता है, और खुद के बारे में कैसे सोचता है, भगवान के बारे में कैसे सोचता है। ठीक है, तो ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का व्यक्ति हो, जो शख्स हो जिसके मन में कृष्ण भावनामृत हो, वो जो भी बातें करेगा, तो वो बातें जो है कृष्ण के बारे में होगा, कृष्ण की लीलाओं के बारे में होगा, कृष्ण के वर्णन के बारे में होगा, कृष्ण के रूप के बारे में होगा, उनके गुणों के बारे में होगा। और जो इस तरह की बातें करता है, हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो है कृष्ण भावनामृत का बंदा है, ये इंसान जो है भगवान की तरफ समर्पित है। तो क्या है कि हम तो क्या है कि ऐसे संग का हमें संग करना चाहिए। देखिए भगवान की भी कहते हैं कि हम जो है भगवान को ऐसे ही नहीं पा सकते, ऐसे ही पाना बहुत ही दुष्कर है। लेकिन अगर भक्त का संग करे, अगर जो भगवान की भक्त है उसका संग करे, तो हमें भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए आज से अगर संग करना है, अगर अपने साथ कोई साथी बनाना है, तो देख के बनाइएगा। और कृष्ण भावनामृत हो तो फिर तो क्या बात है, भक्त का संग मिले तो भक्ति बढ़े, और भक्ति बढ़े तो आपके अंदर सकारात्मक विचार भी बढ़ता है, और जो निराशावादी व्यक्ति है वो हमें क्या सिखाएगा, हमें तो निराशा ही सिखाएगा, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। भगवान जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक है 52 नंबर का, उसमें ये चीज़ वर्णित है, आप भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा, और आज का दिन आपका बहुत ही शुभ और मंगलमय हो।